बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अनाउंस किए हैं और कई सारी आपके रेलिवेंट नहीं हैं उनमें से ज़्यादातर, और जो आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आई हैं। तो स्किप करने से पहले आपको थोड़ी सी बेचैनी हो जाएगी, अगर स्किप मैंने किया तो बेहतर है कि वन बाई वन सारी चीज़ों को मेंशन करते जाएं। ये BS 18 की हैं, मेडिकल के रेलिवेंट हैं, ये सारी के सारा पहला पेज भी मेडिकल के रेलिवेंट जॉब हैं, ताकि आप देख सकें, आपको तसल्ली रहे कि कोई चीज़ आपसे स्किप नहीं हुई। तो ये भी दूसरा पेज भी मेडिकल के रेलिवेंट ही होगा। पांच पेज हैं तकरीबन जॉब्स के जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस किए हैं। दूसरा पेज जो है इसको भी देख लें, ये भी मेडिकल के रेलिवेंट ही चल रही हैं, और ये ग्रेड 18-19 की काफ़ी सारी आई हुई हैं, लेकिन चूंकि मेडिकल के वालों की हैं तो वो देख सकते हैं अपनी डिटेल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके। तो हमारी जो जॉब्स रेलिवेंट हैं जिन पे हमने बात करनी है वो है एंड पे आएगी। तो बजाय इसके कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता ही रहूँ, तो बेहतर है कि काम की चीज़ पे हम चलते हैं और उसी पे ही बात करते हैं। तो ये हैं 20 पोस्ट असिस्टेंट की, और काफ़ी सैलरी है 42,000 लमसम है। ओपन मेरिट पे 15 है, स्पेशल पर्सन के लिए एक है, मिनोरिटी के लिए एक है, वुमेन के लिए 3 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन फ्राम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इन दी रेलिवेंट फील्ड में असिस्टेंट के लिए, यानी कि किसी ने LDC UDC अगर काम कर रहा है तो वो उसमें। और ये ग्रेड इसका है BPS, आई थिंक इन्होंने ग्रेड का मेंशन नहीं किया, 16 में होना चाहिए वैसे। अच्छा, इस पे बात करते हैं मज़ीद। एज है 35 मेल के लिए, 38 फीमेल के लिए, और पंजाब के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। नोट, एक्सपीरियंस इन प्राइवेट एंटिटीज शैल बी एक्सेप्टेड इफ़ सच एंटिटी इज़ रजिस्टर्ड विद SECP रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी। द रिक्विजिट एक्सपीरियंस मस्ट बी आफ्टर एक्वायरिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। तो बैचलर के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये एक शिक रखी है इन्होंने। मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं, एनीवेयर पोस्टिंग हो सकती है। और जो पेपर का पैटर्न होगा उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। 1 पेपर MCQs होगा, 90 मिनट्स पे मोहित होगा, और 100 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होंगी, रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडी है, नॉन मुस्लिम के लिए एथिक्स होगा, जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है, और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम भी इसकी तैयारी करवाएंगे ऑनलाइन, हार्वर्ड अकेडमी तैयारी करवाएगी इसकी भी। और बहुत अच्छी जॉब्स हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, BCom के लिए, MBA वालों के लिए। तो अकाउंटेंट की 14 स्केल की जॉब्स हैं, 97 पोस्ट हैं, इंक्लूडिंग 4 पोस्ट रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन, पर्सन कोटा 5 का है, पोस्ट रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज़ 25 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन है। तो इसमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जनाब इसकी है BCom BBA फाइनेंस सेकेंड डिवीजन कमल कम होनी चाहिए फ्राम यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज बाई HEC, यानी कि BCom और BBA वाले दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि BCom 2 साल 4 साल, तो सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेल हैं 35 एज, और फीमेल के लिए 38 ईयर। इसके अलावा जेंडर मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट बात जो हमने करनी है बात, इसके पेपर पैटर्न पे BCom लेवल के 30% पे क्वेश्चन आएंगे। बैचलर ऑफ़ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के रेलिवेंट, यानी कि वो 30 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे जो अकाउंट्स और फाइनेंस के रेलिवेंट होंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज पे 40% मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन आएंगे, जो कि
पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी और एवरीडे साइंस, बेसिक मैथ, उर्दू, इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ से रेलिवेंट होंगे। तो इंशाल्लाह हार्वर्ड एकेडमी इसकी भी एज सून एज पॉसिबल, आप लोगों को पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता, तो हम जल्दी जिन्होंने अप्लाई करना होगा वो भले कल से ही ज्वाइन कर लेंगे अपने सेशन को। तो इसके बाद और भी जॉब्स हैं, वो भी ज़बरदस्त किस्म की हैं, 200 पोस्ट हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर की BPS, ये भी 14 का है, और इसकी जो 200 सीटें हैं इंक्लूडिंग 8 पोस्ट रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन, और 10 पोस्ट इनकी मिनॉरिटीज़ के लिए, 38 पोस्ट फीमेल के लिए। और इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, मैट्रिकुलेशन फर्स्ट डिवीजन विद डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर सिविल और आर्किटेक्चर का फ्रॉम दी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय दी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसके लिए जो है एज लिमिट मेल के लिए 35 है, फीमेल के लिए 38 है, और जेंडर मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर पैटर्न पर इम्पॉर्टेंट बात जो हमें करनी है वो है जनाब वन पेपर MCQs, 30% DAE से होगा, 30% DAE सिविल और 30% आर्किटेक्चर से, और 40% इसका होगा जनरल नॉलेज से। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की तैयारी करवाएंगे, तो जिन्होंने ज्वाइन करना होगा वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पेज पे क्या क्या बातें लिखी हुई हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इंस्पेक्टर लीगल की काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई हैं, वो पंजाब पुलिस में है, ये सब इंजीनियर की डिवीज़न है, यानी कि फैसलाबाद की 12 हैं, सगोदा की 58 हैं, डीजी खान की 11 हैं, भावलपुर 10, मुल्तान 19, और रिसर्च DLR के 2 हैं, डेवलपमेंट की 20 सीटें मुख्तस हैं। तो इसके अलावा कुछ और पोस्ट हैं लेकिन वो हैं पुलिस की, आई थिंक पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की लीगल की, जिन्होंने LLB किया उनके लिए 318 पोस्ट हैं। और तो ये इसमें काफ़ी सारी इसका क्राइटेरिया, और पेपर के पैटर्न पे बात करें तो इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का होगा, उर्दू ऐसे 100 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का, पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टडी का 100 मार्क्स का मिक्स पेपर, पाकिस्तान पैनल कोड 1860 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1890, कानून शहादत वगैरह, ये सारे का सारा वन पेपर होगा। तो इसमें भी आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद 15-20 से ज़्यादा होती है तो हम इसकी क्लास अरेंज करेंगे, अदरवाइज कम होंगे तो हम अरेंज नहीं करेंगे। तो आप लोग पूछ सकते हैं, इंटरेस्टेड होंगे तो हम आप लोगों का एक ग्रुप बना देंगे। तो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 जुलाई 2020, और इसकी जो फीस होगी वो है 600 जो BS 14 वगैरह के लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं क्लासेस के लिए, आपको नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333-570-6226, और हमारी वेबसाइट जिस पे आपने क्लास लेनी है www.harvardacademy.com। स्पेलिंग आपको बता देता हूँ, HARWRDACADEMY harvardacademy.com। ऑल द बेस्ट, अप्लाई करें, अगर आप इस पर एलिजिबल हैं तो इंशाल्लाह इसी तैयारी के साथ जाएं, और बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह जॉब आप आती रहेंगी, और अप्लाई आप करें। अल्लाह हाफिज़।